अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें मरकर दोबारा जिंदा फरमाया। ये कैसी बात है, मरकर दोबारा जिंदा फरमाया। उठ दे दीजिए, आवाज़ इसमें ज़्यादा होती है। मरकर दोबारा जिंदा क्या मतलब, अभी आप सुन रहे होंगे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, हजरत फारूक दिलकश साहब जिंदाबाद, और एक मरतबा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब जिंदा हुए थे, एक मरतबा। बकिया हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब जिंदा है ही नहीं तो ऐलान क्यों करेंगे। आज उड़ीसा में सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब, मेरी मुराद उनके वाली साहब हजरत मौलाना सैयद सिराजुद साजिदी साहब कासमी नब्बरल्लाहु मरकदहु, और फिर उनके उस्ताद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल साहब नब्बरल्लाहु मरकदहु। मैं नहीं कहता कि आप हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जिंदाबाद मत कहिए, कोई गलत मत समझे। मैं नहीं कहता कि आप जनाब फारूक दिलकश साहब को जिंदा मत कहिए, आप जिंदा रखिए कोई बात नहीं, मगर उनसे पहले हम लोगों का जिंदा होना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप हमारी जिंदाबाद का नारा लगाइए, सबसे पहली बात यह है कि ये नारा लगाने की मजलिस है ही नहीं। नारे तकबीर ये कोई जंग का मैदान है, जिहाद का मैदान है, आप यहां अल्लाह की बड़ाई का नारा लग रहे हैं। नारे तकबीर तो मैदान है जिहाद में लगाया जाता है, ये मैदान है जिहाद नहीं है। आप यहां नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ठीक है आपने लगाया मगर जिंदा सबको रखिए। ओडिशा में शबो रोज से पाला हमको हजरत मौलाना अजीज मोहतरम सैयद नकीबुल अमीन साहब दामद बरकात हूँ, और मैं उन्हें सल्लम हूँ भी कह दूँ तो कोई बात नहीं है, वो हमारे नौनिहाल शागिर हैं। उड़ीसे की नाक जामिया मरकजुल उलूम सुमड़ा, मगर एक बात तो किसी ने नारा नहीं लगाया कि उलमाए मरकजुल उलूम जिंदाबाद, किसी ने नहीं लगाया, लगाना चाहिए, आप लगाइए। अब शायद मेरे बाद भी नारा लगे वो अलग बात है, मगर मुझे एक चीज बयान करनी थी।